एंड नूतन विलेज किचन ब्लॉग पर विथ इडन फूड। तो आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी से। तो आज की रेसिपी है रेहू फिश करी, एक नए तरीके से हम बना रहे हैं। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। तो गाइस, मेरी मम्मी ने पहले से साफ करके से रखा था और इसमें हल्दी और नमक भी डाल चुकी है। तो हम तैयारी करेंगे इसको बनाने से। गाइस, हमने पहले ही बोला था कि हम इसे एक अलग तरीका से बनाने वाले हैं। तो आज हम मसाले और नारियल, तो नारियल की पेस्ट से हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। तो चलिए गाइस, हम इसकी मसाला भी रेडी कर लेते हैं। मसाले में हम ले रहे हैं कच्चे नारियल, गोलकी, सॉरी धनिया, प्याज, सूखी मिर्च, जीरा, लहसुन आदि और टमाटर। तो स्टार्ट करते हैं इसे पीसने से। हम ले रहे हैं तेज़पत्ता, हम ले रहे हैं आधी लहसुन, सूखी मिर्च, जीरा, धनिया और बारीक कटा हुआ प्याज। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। आप सिलबट्टा में पीस सकते हैं। गाइस, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुके हैं। मैंने थोड़ा एक प्याज भी डाला है टुकड़ा, देखने के लिए तेल हुआ कि नहीं। अब हम मछली को भी फ्राई कर लेंगे। हमने मसाले को पीस लिया है, हमने नारियल को भी बारीक काट लिया है। अब मैं इसे अलग से पीस लूँगी। हमने नारियल को भी पीस लिया है, तो आप भी इस तरफ पीस लीजिएगा। हमारे दोनों ही मसाले पीस चुके हैं। तो गाइस, हमें इस तरह मछली को ब्राउन करने हैं। देखिए, इस तरह से हमें ब्राउन करने हैं सारी मछली को। तो हम निकाल लेंगे, हमारी मछली ब्राउन हो चुके हैं। इस तरह से हमारी सारी मछली फ्राई हो चुके हैं। हमारी सारी मछली फ्राई होने के बाद अब हम इसे ग्रेवी बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं प्याज की काटने से। देखिए, हमने काट लिया है। इस तरह से हमें प्याज काट लेनी है। कट चुके हैं हमें प्याज भी। इसमें हम और थोड़ी सी तेल ऐड कर रहे हैं, सरसों के तेल। हम ऐड कर रहे हैं प्याज कटा हुआ, तेज़पत्ता, प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें ऐड कर रहे हैं पिसा हुआ मसाला। मसाला अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं कच्चे नारियल का पेस्ट। मसाला और नारियल का पेस्ट मिलाने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी का पेस्ट। आप पाउडर यूज़ कीजिएगा। अब इसमें ऐड कर रहे हैं नमक स्वाद अनुसार। तो हम मसाले को अच्छे तरह से भून लेंगे। तो गाइस, हमारे मसाले आधे भून चुके हैं। अब इसमें ऐड कर रहे हैं गोलकी का पाउडर। अब हम काट लेंगे टमाटर बारीक। इसमें ऐड कर रहे हैं हम टमाटर बारीक कटा हुआ। हम टमाटर को अच्छे से मिला लेंगे मसाले में। तो गाइस, यहाँ हमारे मसाला भून चुके हैं।
अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम गरम पानी। अब इसमें ऐड कर रहे हैं भुने हुए मछली सारे। तो पक चुके हैं हमारी मछली भी। तो गाइस आज की रेसिपी थी नारियल के पेस्ट से बनी रेहू फिश कड़ी ग्रेवी वाली। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो रेहू फिश कड़ी रेसिपी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चलो सब तो अपन फैल जाओ।